हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से। क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में निर्माण करने पर अब जिला योजनाकार विभाग की ओर से सख्ती बढ़ा दी गई है। अवैध निर्माण करने वालों पर अब पुलिस को शिकायत देते हुए मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं। खरगोदा पुलिस ने शिकायत पर 44 लोगों के खिलाफ मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच में अन्य लोगों के नाम सामने आते हैं तो उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। खरगोदा क्षेत्र में लगातार अवैध कॉलोनी को काटे जाने का सिलसिला जारी है, जिस पर DTP की पैनी नजर है। ऐसे में जहां पर DTP को अवैध कॉलोनी में निर्माण कार्य शुरू करने का इनपुट मिलता है, वहां पर टीम को भेजकर अवैध निर्माण को धराशाही कर दिया जाता है। DTP की टीम द्वारा लगातार इस ओर कार्यवाही की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी अवैध कॉलोनियां काटने वाले मान नहीं रहे और ना ही इन अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वाले रुक रहे हैं। ऐसे में जब DTP की कार्यवाही के साथ साथ चेतावनी का भी असर नहीं हुआ तो अब उन प्लाट धारकों पर मामले दर्ज करवाए जा रहे हैं जिन्होंने अवैध निर्माण किया है। इतना ही नहीं, DTP की तरफ से शिकायत में मांग रखी गई है कि जांच के दौरान और भी जो लोग इस कार्य में संलिप्त पाए जाते हैं उन पर भी सख्ती के साथ कार्यवाही की जाए। इन पर हुई कार्यवाही, पुलिस ने रविंदर सिंह, रवि, यश, मुकेश कुमारी, सुदेश, रूबी, नूतन, कमलेश, शकुंतला रानी, अनीता सिंधु, सुशीला, अंजू, सुमन, ब्रह्मी, श्याम सुंदर, अनुराधा, शकुंतला, सोनाली, फीना बावरिया, विमला देवी, हरीश शर्मा, ममतेश, सीमा रानी, गीता मीना रानी, विमला देवी, मनीषा कुमारी, सुनील देवी, ऋतु, सुनील कुमार, रोहित कुमार, संदीप, दिनेश कुमार, कोमल सैनी, सीमा, सरोज देवी, मधुलिका, रविंद्र कुमार, महेश, अनिता देवी, सतपाल, उमेद सिंह, विजेंद्र सिंह, सविता देवी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लोगों को अवैध कॉलोनियों में निर्माण कार्य करने की अनुमति नहीं है, ऐसा करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसे आगे भी जारी रखा जाएगा, जिसके तहत ही यह मामले दर्ज करवाए गए हैं। ललित बाजार, DTP सोनीपत। AP गर्ल पब्लिक स्कूल सापला रोड खरखोदा, स्पेशल नर्सरी विंग, बच्चों के झूले, छोटे बच्चों के खेलने की व्यापक व्यवस्था, आधुनिक स्मार्ट TV, कंप्यूटर लैब, फिजिक्स लैब, बायो लैब, केमिस्ट्री लैब व हाईटेक लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफर नर्सरी टू 12th, सभी प्रकार के खेलों की सुविधा। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए प्रताप स्कूल खरखोदा का चयन करें, ताकि आपके बच्चे संस्कार, शिक्षा, टेक्नोलॉजी, खेल, स्वास्थ्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा विदेशों में तिरंगा फहराते हुए इंजीनियर, डॉक्टर, लेफ्टिनेंट तथा राजनेता बनकर देश एवं विदेशों में उच्च पदों को सुशोभित कर सके। कल्पना चावला विद्यापीठ खांडा रोड खरखोदा, छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार कार्यरत, हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम, पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों के खेलों पर भी फोकस, खो खो, कबड्डी, कुश्ती, ताइक्वांडो, शूटिंग व एथलेटिक्स में विद्यालय के खिलाड़ियों ने नेशनल स्तर तक मेडल हासिल किए। छात्रों को शिक्षा, सामाजिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे बच्चे के व्यवहार में काफी बदलाव आता है। केडी इंटरनेशनल स्कूल रोहतक रोड खरखोदा, एक्टिविटी हॉल्स फॉर किंडरगार्टन, आर्ट, डांस, म्यूजिक क्लासेस, स्पोर्ट्स कोचेस, हॉकी, ग्रैपलिंग, खो खो, वर्क टुवर्ड्स ग्लूमिंग द चाइल्ड एज ग्लोबल सिटीजन, कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, काउंसलर्स, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, बैडमिंटन ग्राउंड। लगातार खबरों से बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।